हेलो डियर स्टूडेंट, आज अपन पढ़ेंगे रेक्टिफायर के बारे में। किसके बारे में? रेक्टिफायर के बारे में। तो रेक्टिफायर को पढ़ने से इससे पीछे वाला हो चुका है और नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा रेक्टिफायर। तो रेक्टिफायर को पढ़ने से पहले अपन को पढ़ना होगा किसको, दो कॉन्सेप्ट के बारे में जानना ज़रूरी है। पहला कॉन्सेप्ट तो बेटा हो गया जी, एक तो एसी वोल्टेज और एक होता है डीसी वोल्टेज। ठीक है, एसी और डीसी वोल्टेज। एसी और डीसी वोल्टेज में डिफरेंस क्या होता है देखिए आइए। और एसी वोल्टेज का मतलब क्या हो गया, एक ऐसा वोल्टेज जो अपना मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम क्या करता है, चेंज करता है। मैग्नीट्यूड भी चेंज करेगा और डायरेक्शन भी चेंज करेगा। कैसे? देखिए, यहाँ से जीरो से स्टार्ट हुआ वोल्टेज, फिर मैक्सिमम हुआ, फिर घटने लगा और फिर नेगेटिव में आने लगा। तो मतलब ये अपनी डायरेक्शन भी चेंज कर रहा है और मैग्नीट्यूड भी चेंज कर रहा है। तो एक ऐसा वोल्टेज जो अपना मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज कर रहा है। अब अपन बात करते हैं किसके बारे में, डीसी वोल्टेज के बारे में। तो डीसी वोल्टेज के लिए अपन कह सकते हैं कि डीसी वोल्टेज क्या होता है, जस्ट अपोजिट। जस्ट अपोजिट मतलब ना तो मैग्नीट्यूड चेंज करे और ना ही क्या चेंज ना करे, डायरेक्शन चेंज करे। तो ये क्या कहलाएगा, डीसी वोल्टेज। तो डीसी वोल्टेज और एसी वोल्टेज, ठीक है सर, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद रेक्टिफायर। तो रेक्टिफायर का मतलब क्या, एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जो क्या करे, जो एसी को डीसी में क्या कर दे, कन्वर्ट कर दे। एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट कन्वर्ट टू एसी फ्रॉम डीसी, एसी से क्या कर दे, डीसी में क्या कर दे, चेंज कर दे। ठीक है, उसके बाद ठीक है, यहाँ तक क्लियर है कि भाई एसी को डीसी में चेंज करे वो क्या कहलाया, रेक्टिफायर कहलाया। तो पर मेन बात यहाँ पे आती है कि रेक्टिफायर को यूज क्यों करते हैं भाई, रेक्टिफायर को जो यूज़ करने का कारण क्या, बगैर भाई रेक्टिफायर के हमारे जो मतलब ये फ़ैन है मान लीजिए, ठीक है, मोबाइल चार्जर है, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है, क्या वो काम नहीं करते? तो वाई वी यूज रेक्टिफायर। तो इसको पढ़ने से, इसको समझने से पहले अपन एक एग्जांपल लेते हैं छोटा सा, जो कि आपको हमेशा याद रह जाएगा। आई होप कि आपको ये हमेशा याद रह जाए, टेम्पो वाला। कौन सा? टेम्पो वाला। तो देखिए टेम्पो के वाला एग्जांपल क्या, तो टेम्पो में जो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट लगे होते हैं, जैसे टेम्पो ड्राइवर की टेप होती है और एलईडी बल्ब्स वगैरह लगे होते हैं, तो ये सारे किस पे बेस्ड रहते हैं, डीसी पे बेस्ड रहते हैं। बट डीसी पे बेस्ड रहते हैं, और जो ऑटो वाला ऐसे तो नहीं कर सकता ना कि भाई डीसी पे बेस्ड है तो क्या करेगा, उसको एसी टू डीसी कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो एसी टू डीसी कन्वर्ट करना पड़ेगा। और दूसरी बात कि भाई अब टेम्पो क्या करता है, एक जगह नहीं रुक सकता, तो दैट मीन्स ऐसे तो नहीं कि भाई टेम्पो घर से क्या ले ले, सप्लाई ले ले। ध्यान रखना घर में भी एसी सप्लाई आती है, पर फिर क्या करते, कन्वर्ट कर दे, तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो दैट इज़ वाई इसको क्या रिक्वायरमेंट रहती है, एक ऐसे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट बनाने की जो एसी टू डीसी में क्या कर दे, कन्वर्ट कर दे। फॉर एग्जांपल टेम्पो वाला घर पे टैप लेके आया अपने, है ना, तो अपने टैप पे चलाने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, फिर एसी टू डीसी कन्वर्टर लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मेन पर्पज रहता है कि कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट जो किस पे बेस रहते हैं, डीसी पे बेस रहते हैं। तो दैट इज़ वाई अपन को एसी टू कन्वर्ट करना पड़ता है डीसी में। तो एसी टू डीसी कन्वर्ट करने का मतलब क्या हटाना पड़ेगा, देखो एक तो ये डायरेक्शन हटाना पड़ेगा और जो मैग्नीट्यूड वेरी कर रहा है बेटा उसको क्या करना पड़ेगा, अपन को हटाना पड़ेगा। तो इनको हटाने के लिए अपन क्या करें, तो इनको हटाने के लिए अपन जो चीज़ यूज़ करते हैं वो क्या कहलाता है, रेक्टिफायर। तो रेक्टिफायर भी दो टाइप के होते हैं। पहला तो होता है हाफ वेव रेक्टिफायर। क्या होता है? हाफ वेव रेक्टिफायर। और दूसरा होता है फुल वेव। दूसरा क्या रहता है? फुल वेव रेक्टिफायर। अब इनको अपन एकदम आराम से पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक यही है हमारा, फुल वेव रेक्टिफायर। देखो पहले रेक्टिफायर को वापस पढ़ लेते हैं आराम से, कि भाई रेक्टिफायर एसी को डीसी में कन्वर्ट कैसे करता है। तो एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए देखो पहले क्या होता है, अपन को एसी क्या चाहिएगा, सोर्स चाहिएगा। तो ये मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, एसी सोर्स है। ये जो सोर्स है हमारा एसी सोर्स है। अब अपन क्या करेंगे, इस एसी सोर्स से कनेक्ट करेंगे क्या, ट्रांसफार्मर। क्या कनेक्ट करेंगे बेटा? ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर क्यों कनेक्ट कर लेंगे, जैसे मान लीजिए अपन को एक छोटा सा टेप चलाना है या एलईडी बल्ब जलाना है। अब इनपुट में तो 220 वोल्ट आ रहा है, अब उसको 220 वोल्ट को डीसी में कन्वर्ट करके सीधे देंगे तो एलईडी ख़राब हो जाएगी। ऐसा ना हो इसके लिए अपन क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर लगाते हैं। भाई जितनी रेंज की हमें क्या चाहिए, वोल्टेज चाहिए, उतनी रेंज की वोल्टेज क्या हो अपन को मिल सके। उसके बाद ट्रांसफार्मर के बाद में लगाते हैं अपन रेक्टिफायर। क्या लगाते हैं अपन? रेक्टिफायर। रेक्टिफायर क्या काम करता है ये भी बताएंगे। और रेक्टिफायर के बाद में अपन क्या लगाते हैं, वोल्टेज स्टेबलाइजर। वोल्टेज स्टेबलाइजर। और वोल्टेज स्टेबलाइजर के बाद में अपन को क्या मिल जाएगा, डीसी वोल्टेज। क्या मिल जाएगा? डीसी वोल्टेज। यहाँ पे देखो रेक्टिफायर यूज़ क्यों करते हैं, एसी टू डीसी में कन्वर्ट करने के लिए कई ऐसे, जैसे मान लीजिए हाफ वेव रेक्टिफायर है ना, वो क्या करता है, केवल और केवल हाफ वेव को ही क्या करता है, रेक्टिफाई करता है। हाफ वेव को ही रेक्टिफायर करता है। दैट मीन्स केवल और केवल इतने को ही क्या बनेगा,
एसी टू डीसी क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा, लेकिन ये केवल डायरेक्शन ही चेंज कर पाता है, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं कर पाता। इसका मतलब हाफ वेव से जो हमें आउटपुट में क्या मिलती है, डीसी मिलती है, वो फ्लक्चुएट होती है, स्पंदमान की धारा बोल दीजिए। अब इन फ्लक्चुएशन को हटाने के लिए अपन कुछ क्या करना पड़ेगा, इसको स्मूदिंग फिल्टर से क्या करना पड़ेगा, फिल्टर करना पड़ेगा। दैट मीन्स अपन को ये मैग्नीट्यूड इनका क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो ऐसे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जो क्या करते हैं, मतलब जो फ्लक्चुएशन है उनको कम करने का काम करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, फिल्टर। दैट इज़ वाई अपन पहले कौन सा पढ़ते हैं, हाफ वे फुल वे रेक्टिफायर, और उसके बाद अपन क्या पढ़ते हैं, फिल्टर पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक का कॉन्सेप्ट था किसका, रेक्टिफायर क्या होता है, सी डी सी वोल्टेज क्या होता है। ठीक है, और रेक्टिफायर में जो अपन एसी टू डीसी बनता है वो किस प्रोसेसर पे बनता है, ये इनपुट सोर्स है हमारा वोल्टेज का। ठीक है, फिर वो ट्रांसफार्मर में जाता है, फिर रेक्टिफायर होता है, और फिर वोल्टेज स्टेबलाइजेशन। वोल्टेज स्टेबलाइजेशन का एक ये भी रहता है कि कंटिन्यूस अपन को क्या मिलता रहे, वोल्टेज मिलता रहे, इसके लिए अपन को क्या चाहिए, वोल्टेज स्टेबलाइजर चाहिए। उसके बाद किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डीसी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो रेक्टिफायर का कॉन्सेप्ट क्या है, यहाँ तक है। उसके बाद अपन पढ़ते हैं कौन सा रेक्टिफायर में, जो पहला रेक्टिफायर आता है बेटा, वो हमारे कौन सा आता है, हाफ वेव रेक्टिफायर। कौन सा आता है, हाफ वेव रेक्टिफायर। तो हाफ वेव रेक्टिफायर को पढ़ने से पहले अपन को क्या पढ़ना होगा, अपन को यहाँ पे ये जानना जरूरी रहेगा कि हाफ वेव जो रेक्टिफायर होता है वो किस किस कॉन्सेप्ट पे क्या होता है, बेस होता है, कि भी उसका बेस क्या है जिस पे क्या करता है, हाफ वेव काम करता है। तो देखिए, हाफ वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर, रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर बेस्ड होता है किस पे, ये बेस्ड रहता है पीएन जंक्शन पे, बेस्ड ऑन पीएन जंक्शन। व्हाई, तो देखिए पीएन जंक्शन की एक खास बात होती है कि पीएन जंक्शन हमेशा ही किस में काम करता है, पीएन जंक्शन हमेशा एक फॉरवर्ड बायस में काम करता है, इसका मतलब ये एक दिशा में होता है। तो इसका अपन फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं, देखो जैसे मान लीजिए हमारे पास ऐसे वोल्टेज आया, ऐसे कोई मान लीजिए ऐसे वोल्टेज आया है ना। अब देखिए पीएन जंक्शन क्या किस पे काम करेगा, फॉरवर्ड बायस पे, अर्थात पॉजिटिव वोल्टेज पे। तो ये जो नेगेटिव वोल्टेज रहेंगे इनको क्या करता रहेगा, पीएन जंक्शन हटाता रहेगा। दैट मीन्स बोले सर यहाँ तक जब सप्लाई आएगी वहाँ तक तो पीएन जंक्शन काम करेगा, फिर जैसे ही ये सप्लाई नेगेटिव हुई पीएन जंक्शन रोक देगा। तो पीएन जंक्शन रोक देगा तो होगा क्या, होगा ये कि जो ऐसे वोल्टेज की जो हमारी डायरेक्शन है वो चेंज होने क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। दैट मीन्स हमारा डायरेक्शन तो हमने क्या कर दिया, सेम कर दिया। इसका मतलब हमें जो आउटपुट मिलेगा वो समथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ मिलेगा। ठीक है, इसका मतलब बेस्ड ऑन किस पे है, पीएन जंक्शन में क्या, हाफ वेव रेक्टिफायर। तो ये पीएन जंक्शन में बेस्ट होता है। और अब अपन बात करते हैं कि इसके मतलब सर्किट कैसे बनेगा इसका, है ना। तो सर्किट अपन खुद ही सोच के बनाते हैं। देखो अपन ने प्रीवियस में क्या पढ़ा, इनपुट सोर्स रहता है, उसके आगे क्या लगाते हैं, ट्रांसफार्मर। क्यों लगाते हैं, क्लियर है, ट्रांसफार्मर के बाद क्या आता है, रेक्टिफायर आता है। तो अपन को यहाँ पे केवल और केवल अभी तक क्या पढ़ना है, रेक्टिफायर ही तो पढ़ना है, फिल्टर पे तो नहीं जाना ना। तो फिल्टर पे नहीं जाना तो इसका मतलब अपन केवल रेक्टिफायर तक ही देखते हैं। तो इसको हम और एक खास बात, और एक खास बात कौन सी, कि एक पीएन जंक्शन भी क्या करना है, यूज़ करना है। तो इस पीएन जंक्शन को यूज़ करना है, तो देखिए कैसे करेंगे अपन। तो इसका सर्किट अपन देखते हैं, खुद सोच के बनाते हैं, कि हो सकता है कि ऐसा अपन पॉसिबल हो कि भाई ऐसा ही किताब में मिले। कैसे मिल सकता है, एक इनपुट सोर्स चाहिएगा तो बना लीजिए इनपुट सोर्स, ये लीजिए एक, ये बना इनपुट सोर्स। इनपुट सोर्स का मतलब वी, इज इट क्लियर, ओके। यहाँ पे अपन अब भाई इनपुट सोर्स के बाद क्या चाहिए, ट्रांसफार्मर चाहिए, बनाइए सर ट्रांसफार्मर। ये क्या हो गया, एक ट्रांसफार्मर हो गया। ठीक है, ट्रांसफार्मर होने के बाद क्या हुआ, ट्रांसफार्मर होने के बाद आपने बोला पीएन जंक्शन, ठीक है पीएन जंक्शन ये लीजिए, पीएन जंक्शन बना दिया। बोले बस इतना ही तो था क्या, हमने एक बॉक्स बनाया था ना, उसमें इनपुट वोल्टेज था, उसके बाद क्या था, ट्रांसफार्मर था, ट्रांसफार्मर के बाद में क्या था, रेक्टिफायर था। ठीक है, तो अपन को रेक्टिफायर तक तो जाना ही, रेक्टिफायर था, उसके बाद क्या था सर, फिल्टर था। तो फिल्टर तक तो नहीं जाना, अपन को तो रेक्टिफायर तक करना है ना। तो दैट्स वाई बोले सर यहाँ तक छोड़ दीजिए। अब क्या हो कि अब बाहर से क्या लगा दीजिए, एक RL लगा दीजिए, RL मीन्स लोड प्रतिरोध। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो मिलेगा अपन को वो कम क्या होगा, वी आउटपुट, क्या होगा, वी आउटपुट, जो कि क्या होगा, डीसी होगा, जो कि क्या होगा, डीसी होगा। अब इस सर्किट के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, एक किरचॉफ के रूल वगैरह लगा के क्या करना पड़ेगा, सोल्व करना पड़ेगा। और हाफ वेव काम कैसे करता है ये कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा। फॉर एग्जांपल के लिए मान लीजिए ए बी सी डी, और अब ये जो लूप बना उस लूप में धारा का मान मान लीजिए कितना है, आई है। धारा का मान कितना है, आई है। तो अब बताओ बेटा, बोले कि सर यहाँ पे धारा का मान आई है,
और ये पीएन जंक्शन है, तो यहाँ पे इनपुट जो वोल्टेज आएगा वो कौन सा होगा, वो एसी होगा। एसी होगा इसका मतलब किस फॉर्म में आएगा, तो वो आएगा इस फॉर्म में, ठीक है। ओके सर, इस फॉर्म में आएगा। तो देखिए, जब ये पहला पॉजिटिव वोल्टेज हो रहा होगा, मतलब यहाँ से जब यहाँ तक आ रहा होगा, तो यहाँ पे टर्मिनल जो बनेगा वो क्या बनेगा, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब पॉजिटिव पॉजिटिव से जुड़ गया, पीएन जंक्शन बोलता है पॉजिटिव पॉजिटिव से जुड़ गया, तो कौन सा बायस आया, फॉरवर्ड बायस आया ना, तो फॉरवर्ड बायस आएगा, इसका मतलब धारा को क्या करने देगा, आगे जाने देगा। लेकिन जैसे ही नेक्स्ट साइकिल चेंज करेगा, मतलब ये वाला नेक्स्ट, ये जीरो से टी बाई टू के लिए, और ये टी बाई टू के लिए किसके लिए हो जाएगा, टी बाई टू से कैपिटल टी के लिए, तो इसमें क्या हो जाएगा, बोले इसमें अल्टरनेट चेंज हो जाएगा, ये दोनों एक साथ ही लिख रहा हूँ, माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। जब ये माइनस हो जाएगा तो ये कौन सा बायस बन जाएगा, फॉरवर्ड बायस रहेगा, नहीं रहेगा। अब ये कौन सा बायस बन जाएगा, बैकवर्ड बायस बन जाएगा, और बैकवर्ड बायस में आप जानते हो धारा फ्लो करंट फ्लो नहीं होती, करंट फ्लो नहीं होती, इसका मतलब हाँ कि अब ये केवल और केवल क्या देगा, एक ही डायरेक्शन की क्या देगा, करंट देगा, ठीक है। उसके बाद अब अपन को यदि इसको सोल्व करना हो, इसको सोल्व करके अपन जो धारा मिल रही है उसको आरएल से गुजार के अपन क्या निकाल सकते हैं, वीडीसी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो उसको निकाल, देखिए ये अपन को यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, केवल किरचॉफ लॉ लगाना है, तो किरचॉफ लॉ के लिए ये लूप मान लें ए बी सी डी क्या हो गया, लूप हो गया। तो इस लूप में अपन यहाँ से स्टार्ट हो, तो इस लूप में धारा कौन सी फ्लो हो रही है, आई फ्लो हो रही है। तो हम मान लेते हैं जो पी एन जंक्शन है ना हमारा, उसका जो रेजिस्टेंस है, ठीक है, उसको अपन मान लेते हैं आर पी, कितना ले लें, आर पी ले लें। फिर लोड का रेजिस्टेंस कितना हो गया, आर एल हो गया। फिर आगे क्या जुड़ा हुआ, आगे जुड़ा हुआ ट्रांसफार्मर, क्या जुड़ा हुआ, ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर का जो अपन रेजिस्टेंस है वो कितना ले लेते हैं, आर टी ले लेते हैं, कितना ले लेते हैं, आर टी ले लेते हैं। और एक किसका हो गया, पीएन जंक्शन का हो गया, आर एल लोड का हो गया, और एक क्या हो गया, इसका हो गया ट्रांसफार्मर का, ठीक है। तो अब जब अपन यहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो इसके किरचॉफ का नियम क्या कहता है, किसी लूप में एक बिंदु से दूसरे बिंदु की तरफ जाने पर या एक बिंदु से वापस उसी बिंदु पर आने पर वोल्टताओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, जीरो होता है। दैट मीन्स यहाँ पे अपन यदि केवीएल अप्लाई करें, अप्लाइंग केवीएल, ठीक है, किरचॉफ वोल्टेज लो, देखिए, तो ये जब अपन केवीएल अप्लाई करेंगे तो यहाँ से स्टार्ट होंगे, तो इसका आई इंटू कितना हो जाएगा, आर इंटू कौन सा, किसका ले रहे हैं अपन, पीएन जंक्शन का, आर पी ले लीजिए, प्लस यहाँ पे आर एल है ना, तो आई इंटू कितना हो जाएगा, आर एल हो जाएगा, प्लस यहाँ पे ट्रांसफार्मर जुड़ा हुआ, ट्रांसफार्मर का अपन रेजिस्टेंस कितना ले रहे हैं, आर टी ले रहे हैं। और देखो यहाँ पे जब अपन स्टार्ट, यहाँ पे जब अपन आएंगे, तो यहाँ पे कौन से टर्मिनल में प्रवेश करेंगे, नेगेटिव टर्मिनल में, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, माइनस वी एस, और इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, जीरो। तो वी एस बराबर कितना आ गया, वी एस बराबर आ गया नथिंग बट आई कॉमन आ जाएगा, आर पी, और मैं इसको एक साथ लिख रहा हूँ आर टी को एक बार के लिए, ठीक है, और यहाँ पे कितना हो गया, आर एल हो गया। इन दोनों को मिला के एक बार के लिए अपन क्या बोल दें, कैपिटल आर। कैपिटल आर क्या होगा, जंक्शन प्लस ट्रांजिस्टर का रेजिस्टेंस, ठीक है, एक साथ। तो यहाँ पे वी एस कितना आ गया, यहाँ पे वी एस आ गया आई इंटू कितना हो जाएगा, कैपिटल आर प्लस कितना हो जाएगा, आर एल। ये लीजिए वी इक्वल्स टू क्या हो गया, आई आर, और यहाँ से आई की वैल्यू कितनी निकल आई, यहाँ से I की वैल्यू निकल आएगी बेटा वी एस अपॉन में कितना आ जाएगा, R प्लस आर एल, ठीक है। अब देखो वी एस क्या है, जो सोर्स वोल्टेज है वो, लेकिन सोर्स वोल्टेज देता है आगे क्या जुड़ा हुआ, ट्रांसफार्मर जुड़ा हुआ है ना, और है कौन सा, AC है, तो ठीक है वी एस जो इसकी वैल्यू आएगी वो आएगी तो ओमेगा साइन ओमेगा टी में, क्यों, क्योंकि जो सोर्स दे रहा है वो कौन सा वोल्टेज दे रहा है, साइन ओमेगा टी। लेकिन यहाँ पे ट्रांसफार्मर जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे प्राइमरी कोयल होगी, प्राथमिक कुंडली, ये कौन सी होगी, सेकेंडरी कोयल। तो जितने गुणा कितने वो फेरे ज़्यादा हो उतना मल्टीप्लाई हो जाता है ना वोल्टेज, तो अपन यहाँ पे जो वोल्टेज बन रहा है उसको अपन बोल दे ई एम। ई एम मतलब यहाँ पर जो वोल्टेज मिल रहा है, ठीक है, तो ई एम का मतलब वापस समझ लीजिए, क्योंकि प्राइमरी वोल्टेज होगा उसके, इसमें मान लीजिए एन फेरे ज़्यादा है तो बढ़ के देगा ना, बढ़ा के जब देगा तो कितना हो जाता है, ई एम की वैल्यू निकाल लीजिए ना, ई एम की वैल्यू देख लीजिए, यदि प्राइमरी का वोल्टेज कितना ई पी, उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए कितने फेरों से, तो क्या आ जाएगा हमारे पास वैल्यू, किसकी आ जाएगी, वी एस की। अब ये वी एस की वैल्यू पुट करनी है अपन को किस में, इस इक्वेशन में, ठीक है। तो इस इक्वेशन में जब अपन वी एस की वैल्यू पुट करेंगे तो आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आई इक्वल्स टू हो जाएगा ई एम, ई एम अपॉन आर प्लस आर एल, और कितना हो जाएगा, साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी। उसके बाद देखिए ये क्या हो गया,
वी अपॉन आर क्या बन जाएगा, आई। तो इसको अपन बोल सकते हैं आई बराबर आई एम साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी। अब देखो बेटा वापस यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे कब तक काम करेगा, जब हमारा सर्कल क्या हो पॉजिटिव हो, जब तक हमारा सर्कल क्या हो पॉजिटिव हो, तो जीरो से टी बाई टू तक तो क्या करेगा, काम करेगा। फिर ये क्या आ गया, नेगेटिव हो गया, और नेगेटिव में पीएन जंक्शन काम नहीं करता, दैट मीन्स अब ये काम नहीं करेगा। तो ये आई कब देगा, आई देगा जब हमारी टी की वैल्यू क्या हो जीरो से बड़ी और हाफ से क्या हो जाए छोटी। तो यहाँ तक जो हमें क्या मिल जाएगी, धारा मिल जाएगी। अब अपन को क्या करना है, अलग अलग वैल्यूज निकालनी है, किसकी, धारा का औसत मान, धारा का वर्ग माध्यम मूल मान एक्सेट्रा, उसकी दक्षता वगैरह एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये पूरा किसका था कॉन्सेप्ट, अभी कंप्लीट आपने नहीं करवाया, एक क्लास और होगी उसमें कंप्लीट होगा। आज मैंने क्या पढ़ाया, रेक्टिफायर। रेक्टिफायर क्यों यूज होता है, फ्रॉम एसी टू डीसी कन्वर्टर क्यों जरूरत रहती है, वो इसलिए जरूरत रहती है क्योंकि कई गेजर्स होते हैं जो किस पे काम करते हैं, डीसी पे काम करते हैं। कैसे करते हैं, बोले कि जो फ्लक्चुएशन है उनको हटा देता है पीएन जंक्शन, ठीक है, और एक डायरेक्शन की क्या दे देता है अपन को, ये वोल्टेज या करंट दे देता है, करंट देता है आगे आर से गुणा होकर वो क्या बन जाता है वोल्टेज। लेकिन ये देता तो अच्छे तरीके से नहीं, ऐसे पल्स के रूप में देता है, कैसे देता है पल्स के रूप में। यदि अपन इसका ग्राफ बनाना चाहें तो कैसे मिलेगा, पल्स के रूप में। अभी ये तो कोई डीसी नहीं हुई ना, इसलिए फिर आगे क्या लगा देते हैं अपन, फिल्टर लगा देते हैं, वो आगे की बात हो जाएगी, है ना। तो ये था छोटा सा बेसिक कॉन्सेप्ट किसका, हाफ वेव का। अब अपन कल स्टार्ट करेंगे क्या, इसकी धारा का वर्ग माध्यम मूल मान, धारा का औसत मान और दक्षता वगैरह, ठीक है। SMDT के YouTube चैनल के थ्रू मैंने आपको ये पढ़ाया, और कोई डाउट्स हो बेटा, प्रॉब्लम्स हो, आप मेरे को पर्सनली मैसेज करके या ग्रुप में मैसेज करके पूछ सकते हो। थैंक्स।